Hello viewers, welcome to MathTech. I am Amit Sharma. In this video, we are going to solve a question of linear programming problem from GATE Mathematics 2022. The question is from the topic transportation problem. So without a delay, let's start. Question is, a certain product is manufactured by plants P1, P2 and P3 whose capacities are 15, 25 and 10 units respectively. The product is shipped to the markets M1, M2, M3 and M4. Whose requirements are 10, 10, 10 and 20 respectively. The transportation cost per unit are given in the table below. This is the table. Then the cost corresponding to starting basing solution by northwest corner method is, now देखते हैं इस question में क्या information है. हमारे पास एक transportation problem given है और हमें इससे पूछ रहा है कि इसका northwest corner method से इसका minimum cost निकालना है जो कि starting basic solution होगा. तो सबसे पहले हम ये check करते हैं क्या ये transportation problem balanced है या नहीं है. ये कैसे चेक करते हैं, तो आप ये जो मुझे गिवन है P1 की कैपेसिटी, P2 की कैपेसिटी और P3, ये टोटल कैपेसिटी है, इसका सम कर लीजिए. ये आएगा 25 प्लस 15 40 प्लस 10, ये बन रहा है 50. और ये जो मार्केट में डिमांड है इसका सम कर लीजिए, 10 प्लस 10 प्लस 10 30 प्लस 20 इक्वल टू 50. ये 50 के इक्वल बन रहा है, मतलब ये कितना, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है. तो ये कैसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है. दिस इज दी बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है. तो सबसे पहले हम इसको एलोकेशन करेंगे. तो आप क्या करें, इसके इधर और लास्ट में देख लीजिए मिनिमम क्या है. जैसे यहाँ पर 10 है और यहाँ 15 है, तो जो मिनिमम है वो वैल्यू यहाँ पर असाइन हो जाएगी 10. तो जब आपने 10 पूरा असाइन कर दिया तो ये कितना रह जाएगा, 0. और यहाँ से 10 असाइन कर दिया तो ये कितना रह जाएगा, आपके पास 5 रह जाएगा. नाउ ये कंप्लीट हो गया तो ये कॉलम आपका यहाँ से अब क्या हो जाएगा, हट जाएगा. नाउ हम नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं. अब इस 3 पे एलोकेट करना है हमें. तो यहाँ पर कितना डिमांड है, 10, और कितना है हमारे पास सप्लाई, 5. तो मिनिमम इनमें से क्या है, 5 है. तो हम इसे क्या एलोकेट करते हैं, 5 एलोकेट करते हैं. जब आप इसे 5 एलोकेट करेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा, 0. और 5 यहाँ दे दिया तो यहाँ कितना रह जाएगा, 5. तो ये कंप्लीट हो गया. तो ये वाला जो रो है आपका, ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा यहाँ से. नाउ अब इसे हमें एलोकेट करना है. सेम रूल है, यहाँ पे 25 है, यहाँ 5 है. मिनिमम क्या है यहाँ पर, 5. तो इसे आप 5 एलोकेट कर दीजिए. तो जब आपने 5 एलोकेट कर दिया तो ये कितना रह जाएगा इस केस में, 0. और यहाँ पर अगर मैं 5 एलोकेट कर दिया तो ये कितना रहेगा आपके पास, 20. अब ये कंप्लीट हो गया तो ये कॉलम भी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट. अब इस 4 को एलोकेट करना है. यहाँ पर 10 है मिनिमम और 20 है. मिनिमम यहाँ पर 10 है तो इसे हम क्या करेंगे, 10 एलोकेट कर देंगे. जब आपने 10 एलोकेट कर दिया तो यहाँ कितना रह गया, 0. और यहाँ पे आपने 10 एलोकेट कर दिया तो क्या रहेगा, यहाँ पर 10 रह जाएगा. तो ये कंप्लीट हो गया तो ये कॉलम भी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. अब यहाँ पर 2 एंट्री बची है, 1 और 2. टोटल है 20 और इधर दोनों तरफ 10 है. तो आप इसको भी 10 एलोकेट कर दीजिए तो ये 10 यहाँ से खत्म हो जाएगा, 0. और इसे भी 10 एलोकेट कर दीजिए तो यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा, 0. ये दोनों पे 20 एलोकेट हो गया तो ये भी हो जाएगा 0. तो ये मेरी कंप्लीट एलोकेशन हो गई. अब देखते हैं हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है वो क्या बनेगी. 1 को कितना एलोकेट किया हमने, 10. जो कॉस्ट होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, 1 को कितना एलोकेट किया, 10. नेक्स्ट प्लस 3 को कितना एलोकेट किया हमने, 5. नेक्स्ट 2 को कितना एलोकेट किया हमने, 5. प्लस 4 को कितना एलोकेट किया हमने, 10. प्लस आगे 1 को कितना एलोकेट किया हमने, 10. प्लस 2 को कितना एलोकेट किया हमने, 10. इसको आप टोटल कर लीजिए, 1 × 10 = 10 प्लस 3 × 5 = 15 प्लस 2 × 5 = 10 प्लस 4 × 10 = 40 प्लस 1 × 10 = 10 प्लस 2 × 10 = 20. तो ये जगह 10 प्लस 10 20 प्लस 40 60 60 प्लस 10 70 प्लस 20 90 और 15 105. तो जो इसकी कॉस्ट बनेगी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की, वो बनेगी 105 बन जाएगी. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी कमेंट मी. थैंक यू वेरी मच. Thank you.